5 AM रूटीन। सुबह 5 बजे नमाज पढ़ने के बाद मैं इसी तरह बच्चों को मदरसे छोड़ के आता हूँ, तो अभी वापस जा रहा हूँ, अपनी मंजिल को पहुँच रहे हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, एक तो मेरा जो कराची का टूर था उसके ऊपर पूरा व्लॉग आना था, उसकी वजह, और दूसरी बात ये बताऊंगा कि हाउ माय डे आर गोइंग, यानी कि 1 महीना हो गया विदाउट एनी व्लॉग, तो उसकी वजह क्या है। तो कराची से वापस आ चुके हैं, उसके बाद अभी तक कोई व्लॉग अपलोड नहीं, दूसरी वैक्सीन भी लगा दिया, तो उसके पीछे वजह क्या थी कि मैं 1 महीने से वो वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा। एक तो मैं आपको वो बताऊंगा और दूसरी के मेरी डेली रूटीन कैसी है इसके बारे में थोड़ी आपको तफसील से बताऊंगा, और आज के दिन आपको वो दिखाऊँगा अपने साथ कि मेरा दिन कैसे हैं। कुछ देर में अभी तो वापस घर जा रहा हूँ और जाके रेडी। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के दिन डेली व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट, और 1 महीना मैं कहाँ था ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद कराची के व्लॉग के बारे में आपको डिटेल से बताना था कि वो क्यों नहीं आ सका। हाँ जी, तो सीन कैसे चल रहे हैं ना, अभी टाइम मेरे पास हो रहा है इस वक्त 1, तो अभी अभी मैंने गाड़ी ठीक करवाई है, दुकान पे कुछ काम थे वो कर रहे थे जिनमें मुनासिब नहीं था कि हम रिकॉर्ड कर सकते, और अभी मैं हैवी ट्रैफिक में फंसा हूँ जिसकी वजह से अभी देखा नहीं। चलो ना यार, कर दो कर दो कर दो तेरी खैर। तो अभी बच्चों को घर छोड़ना है, सुबह मैंने 4 चक्कर लगाए, उसके बाद जाना आना, और अभी बस फिर बच्चों को घर छोड़ के वापस दुकान पे, कुछ काम है वो आपको बताएंगे। और असल में मसला ये है ना कि हमने लड़के सारे काम से निकाल दिए, तो शेयर कल्ला, बस इसीलिए सारा दिन बिजी, टाइम नहीं मिलता अभी रश में टोटली, तो बस फिर होती है कुछ देर में मजीद डिटेल से बात। मैं ज़रा एक दफ़ा यार ये रश पे निकल काट लेना, इतना तो मैं कहते टाइम ही नहीं ना लाया स्टार्ट जी। हाँ जी, तो अभी टाइम मेरे पास हो रहा है इधर 2:35, टुडे बैड न्यूज़, छोड़ना नहीं कोई बात नहीं कह रहा, लेने आया हूँ बच्चों को, छोड़ दिया है घर, तो वापस दुकान की तरफ चलते हैं। लेकिन समझ आई नहीं ना, आज डेट है 29, तो बारिश होने वाली है, मौसम बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, और हम दुकान के लिए रवाना। तो एक महान से शख्स ने बोला था ड्राइव करते हुए, बेटा लाइक ऐसे फ़ोन पकड़ के यू नो ड्राइव करना अच्छा नहीं होता, तो हम अपना मोबाइल फिर नीचे रख लेते हैं। मिलते हैं फिर आपको कुछ देर में, बैठते हैं एक जगह, फिर आपसे डिस्कस कुछ करेंगे और कुछ यादें आपको बताएंगे लाइक हमारा कराची के टूर के बारे में। तो अभी ना सीन ऐसे हैं फिर के जो मेरे पास फुटेज थी ना कराची की, लाइक जो वीडियोस मैंने उधर बनाई थी व्लॉग के लिए, उनके साथ बड़ा बैड सीन हो गया, वो मुझसे कहीं खो गए,
तो दुख भी बड़ा हुआ, बहुत रिकवरी की ट्राई की नहीं हुई, तो सोचा क्यों ना फिर आज के एक ब्लॉग में आपको उसकी डिटेल बता दी है कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हाइल आई स्टे फॉर ऑलमोस्ट अ वीक इन कराची। बारिश जोरों से गिर जाती है, चेकआउट दिस नहीं नज़र आ रहा। चलो मुझे तो फील हो रही है बारिश गिर रही है, हफ्ते को भी स्टार्ट तो उसके बाद अभी सीन जैसे हैं कि शॉप पे सारा टाइम गुजर रहा है, सिर्फ हमारे पास ये लड़का है और ये मेरे साथ होता है और शेख कल्ला बाकी, तो हमें सारे काम करना पड़ रहा है शॉप पे, जितने भी काम होते हैं सारे, तो इसीलिए टाइम बिल्कुल मिल ही नहीं रहा और इसी वजह से वीडियो मेरे से एडिट भी नहीं हो रही थी। रात को लेट करते हैं और सुबह जल्दी से उठ रहे हैं, तो टाइम टेबल ज़रा टाइट हुआ था। अब थोड़ा टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर और फन वक्तन आप हमारे आगे व्लॉग ज़रूर देखिएगा जो कि मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अभी टाइम हो रहा था 8, तो बाल कटिंग करवाने थे, काफ़ी दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा था उनके लिए भी, सो वो टाइम निकलवाया, बड़ी मुश्किल से मैनेज करवाया। और चेक कर रहे हो सीन्स कुछ ऐसे, अभी सही नहीं ना, अभी दोए नहीं है, तो उसके बाद फिर करते हैं और कुछ बातें हैं डिटेल में वो फिर बैठ के इधर करते हैं गर्मी, क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं अभी और ये व्लॉग आप देख रहे होंगे 31st इंशाल्लाह। हाँ जी, तो एक मिनट कैमरा वगैरह, तो आफ्टर कंप्लीट डे फाइनली कुछ बातें जो हमें बैठ के करनी मेरी तरफ आते हैं, जिनमें पहली बार ये जो मेरा टूर था कराची का, इसके अब आपको हाईलाइट्स ही दिखाऊंगा और उसके पीछे एक्सप्लेन करूंगा जगह के बारे में यार सारी वीडियोस दी, पर चलो जो हुआ अल्लाह की मर्जी, क्या पता है इसी तरह ही लिखा था, ये समझ के दिल को तसल्ली दे लेते हैं। बहरहाल अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं नाज़रीन, उसमें मैं आपको एक चीज़ पहले ये सीन चेक करूँ, तो ये मैं जब वैक्सीन की तरह लगवाने की तरफ जा रहा था तो ये मनाजिर उस वक़्त के हैं, बड़ा कमाल का सीन था। हम तो कराची घूमते रहे ऐसे ही, किसी जगह स्टे नहीं किया क्योंकि यार करोना चल रहा है ना, तो नाज़रीन करोना की वजह से हम रुक नहीं सकते, तो बस चलते गए चलते गए चलते ही गए। उसके बाद एक आपको प्रूफ देने के लिए कि वाकई ये ब्लॉग बनना था, चेकआउट। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द डे टू ऑफ माई दिस टूर टू कराची। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, दूसरा दिन है, वैक्सीन डन फर्स्ट डोज, पहली डोज तो लग चुकी है, तो दूसरी के बारे में फिर देखते हैं कि दूसरी के लिए आना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट मंथ 23 अगस्त, वो डेट दी है उन्होंने, और उधर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि करने नहीं दिया, फ़ोन जाते ही ले लिया था उन्होंने,
उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस किए, राइट किया कुछ, और उसके बाद जाके गेट बैक, 15 मिनट रेस्ट और फिर आउट। ये थी उसकी कहानी। अब चलते हैं आज के रेस्ट ऑफ द डे की तरफ। हाँ जी, तो इस इंट्रो के बाद आपने ये तो समझ लिया होगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ आ ही रहा था, कमाल था। लेकिन मेरी किस्मत बुरी थी कि सब कुछ गायब हो गया, पर अब जो है उसी में खुश। और अब आपको दिखाते हैं नज़ारा समुंदर का। तो देयर इट इज, और ये नज़ारा कमाल था यार। ये इस जगह को दो दरिया कहते हैं, तो ये सी साइड व्यू से अवे है, लाइक इट्स 30 मिनट्स अवे, यानी कि जो समुंदर है रेत वाला, ये उससे डिफरेंट है। इस जगह का नाम है दो दरिया, वो भी एक दो दरिया होटल है ये साथ। इस जगह लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस वक़्त समुंदर की तरफ जाने के सभी रास्ते बंद थे सिवाय इस कुछ और। ये बंद नहीं होता क्योंकि इधर होटल ये सारे बने हुए हैं, तो फिर हमें मजबूरन इधर आना पड़ा कि समुंदर देखे बिना वापस आना कराची से ठीक नहीं है। एक बड़ी और अजीब बात थी यार, उधर ना जो ये कबूतर नहीं होते, ये लाखों की तादाद में चौकों पे बैठे, ये मैंने बड़ी चीज़ नोट की। तो मुझे ये बड़ा कमाल का सीन लगा कि वाह यार, लोग आते हैं इनको दाना डाल के चले जाते हैं, लाखों की तादाद में कबूतर जो होते हैं ना, जंगली कबूतर लाइक, वो बहुत ही ज़्यादा कराची में वो पाए जाते हैं। उसके बाद मैं तो दो दफ़ा गया हूँ, मैंने सुना मौसम बहुत गर्म होता है, आई डोंट लक बारिश का मौसम रहा। It was totally fun. और दूसरी दफा के भी कुछ मनाजिर आप देख सकते हैं वो ऐसे। या तो फ्लाइट पे लाहौर, लाहौर से आगे कराची, कराची से वापस लाहौर, और लाहौर से रात को लेट वापस घर। इसके बाद घर आने के बाद मेरा ये दो हफ्तों का सफ़र कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन फ्रॉम टुडे आज आप लोगों के साथ एक अहद होता है कि आई विल बी मेकिंग व्लॉग्स। तो आज के बाद हर सुबह 7 बजे कुछ ना कुछ अपलोड होगा। अभी ये बात कितनी सच। सो फिर मुझे आज दें इजाज़त विद A very big day of struggle comes to an end. इसी के साथ थोड़ी कमाल की एंडिंग होनी चाहिए लाइक। हाँ जी, तो ये रहा आज का व्लॉग, होप यू इंजॉय। नहीं भी किया तो क्या कर सकते हैं, कल से ही हमेशा होपफुल रहना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए कि आने वाला कल कैसा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देखना गुनाह है। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।